जनपद मुरादाबाद में लॉकडाउन के दौरान रविवार को 68 परीक्षा केंद्रों पर खंड शिक्षा अधिकारी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 32,000 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर हिंदू मॉडर्न इंटर कॉलेज में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी को दिशा निर्देश दिए गए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये परीक्षा सम्पन्न कराई जाएगी। ये परीक्षा सुबह दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सम्पन्न कराई जाएगी और सभी से सहयोग की अपील भी की गई है। मुरादाबाद में मिनी लॉकडाउन के दौरान एक बार फिर रविवार को परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मुरादाबाद जनपद में 68 परीक्षा केंद्रों पर खंड शिक्षा अधिकारी प्रवेश परीक्षा होगी आयोजित। 32,000 विद्यार्थी करेंगे प्रतिभाग। तैयारियों को लेकर हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज में बैठक आयोजित। बैठक में SP सिटी अमित आनंद, ADM सिटी राजेंद्र सिंह सेंगर, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी के साथ अनेक स्कूलों के प्रधानाचार्य व शिक्षक मौजूद रहे। बैठक का संचालन जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए SP सिटी अमित आनंद ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करा दिए गए हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो तुरंत हमसे संपर्क करें। पुलिस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिर्फ दो ही जगह है जहाँ पे आप दिक्कतें आ सकती हैं, बट अगर स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन सही है तो सब कुछ। एक तो जहाँ पे वो चेकिंग होगी जब एंट्री करेंगे, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन है तो आपको उनकी थर्मल स्कैनिंग करनी पड़ेगी, तो उन्हें पर्याप्त समय पहले से ही एंट्री शुरू कर दी जाएगी और समय से अपने टाइमिंग से पहले अंदर आ जाएंगे तो सारे बच्चे अच्छे से एग्जाम दे लेंगे। दूसरा, अगर किसी का टेम्परेचर हाई आता है तो उस अवस्था में क्या किया जाएगा, जिसमें भी मेरे हिसाब से यही बहुत हाई है, कभी उसे अलग बैठा के उसे एग्ज़ाम देने के प्रक्रिया की जाएगी। तो ये चीज़ की क्लैरिटी सभी में रहे कि अगर किसी का टेम्परेचर हाई भी आ गया तो उसे यही बताना है कि आपका एग्ज़ाम होगा बट आपका दूसरे बच्चों के साथ नहीं। तो यही दोनों चीज़ें हैं जिसमें सुरक्षा दृष्टि से, बाकी जो बच्चा एग्ज़ाम देने आए वो एग्ज़ाम देने के लिए उसमें कोई उपद्रव या उससे कोई लेना देना नहीं होता, तो बड़े शांतिपूर्वक हो जाता है। इसके अलावा सभी सेंटर्स पर पुलिस के द्वारा ड्यूटी रहेगी, कोई भी अगर जरूरत पड़ती है पुलिस की मदद के लिए तो आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं वहाँ पर। ADM सिटी राजेंद्र सिंह सेंगर ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्र पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। COVID-19 को ध्यान में रखकर सभी दिशा निर्देशों का पालन करें और परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपना भरपूर योगदान दें। इसमें दो तरह के मजिस्ट्रेट लगे हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट। पेपर पहुंचाने का कार्य सेक्टर मजिस्ट्रेट का है और स्टेटिक मजिस्ट्रेट सीधे विद्यालय पहुंचेंगे केंद्र पर्यवेक्षक के पास। क्लियर? ट्रेजरी में किसको आना है? सेक्टर मजिस्ट्रेट को, स्टेटिक मजिस्ट्रेट को ट्रेजरी में नहीं आना है। क्लियर? ट्रेजरी 8:30 बजे खुलेगी तो आप लोग 8:30 बजे तक आ जाएंगे सेक्टर मजिस्ट्रेट वहां पर और अपने अपने पैकेट लेके अपने अपने विद्यालयों में पहुंचाएंगे। साथ ही उन्होंने सभी शिक्षकों से सहयोग की अपील भी की। ये 68 केंद्रों पर होनी है और लगभग 32,000 परीक्षार्थी इसमें भाग ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा कराई जा रही है। सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं।